हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सबको वो खुशियाँ मिले जो आप चाहते हो, आप सबकी हर इच्छा पूर्ण हो और वो हर इच्छा आपकी पूर्ण होती जाए, ये मेरे दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आप सबका सोल पर्पस पूरा हो, आप सबकी रीयूनियन हो। सो माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। बस पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, स्वस्थ रहिए और अपने सोल पर्पस की और बढ़िए और कुछ ना कुछ हर रोज अच्छा करने की शुरुआत कीजिए, ताकि आपके अंदर और आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी ही हो और ये पॉजिटिविटी आपको सफलता देगी। सो माय सोल फैमिली, ये है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। तो डियर, ये वीडियो अगर आपको रेजोनेट करता है तो रख लीजिए, नहीं करता तो भी पॉजिटिव होकर सुनिए, ताकि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। सो माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइब, माय सोल फैमिली, बहुत हमारी व्यूवर्स ने पूछा सोल पर्पस क्या है। डियर, ये सोल पर्पस क्या है, ये आपके अंदर है, आपकी प्रतिभा है जो आप नहीं जान रहे हो। सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर आपके अंदर कुछ है, उसे ढूंढना है। ये सिर्फ आपके अंदर है, ठीक है। मैं जैसे ऑप्शन दे देती हूँ, बहुत लोग ब्यूटिशियन हो सकते हैं, बहुत लोग अच्छे खाना बना सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हीलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, बहुत लोग अच्छे टीचर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ समाज सोसाइटी को लेकर आप लोग कुछ कर सकते हैं, या बच्चे को लेकर आप कुछ कर सकते हैं, अनाथ आश्रम को लेकर कुछ कर सकते हैं, वृद्धा आश्रम को लेकर कुछ कर सकते हैं, महिला लोग के लिए कुछ कर सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छा स्पीच आप दे सकते हैं, अच्छा राइटर हो सकते हैं। तो सोल पर्पस आपके अंदर है जो सोसाइटी से भी बिलोंग करता है, और ये आपके अंदर है बाबू। जब आप मेडिटेट करते हो, आपके ब्लॉकेज जो हील होते हैं और आप धीरे धीरे हील होना शुरू करते हो, जैसे 7 चक्र आप हील करते हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ब्लॉकेज हील होते हैं तो हर कुछ आपके सामने आने लगता है। फिर आप अपना इंट्यूशन पे काम करते हो, जब आपका इंट्यूशन काम करता है तो आपको पता चलता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। हर वक्त हर समय पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम लोग कहते हैं जपा जाप करो। जपा जाप क्यों करो, क्योंकि जितना आप जपा जाप करोगे आपके अंतर आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, पॉजिटिव रहेगी, तो आपके टंग पर भी पॉजिटिविटी ही होगी। हर वक्त हर हमेशा आप पॉजिटिव बोलोगे, ठीक है। जितना पॉजिटिव बोलोगे अंतर आत्मा आपकी उतनी शुद्ध होगी, उतनी पवित्र होगी, और आपका इंट्यूशन जागने लगता है और आपको वो मैसेज आपको मिलने लगता है। आपके अंदर कौन ऐसा क्रिएटिविटी आइडिया है, कौन ऐसी प्रतिभा है जो आप उभर कर लाना सकते चाहते हो, आप में कौन ऐसा टैलेंट है, उस पर आप फोकस करो। आप धीरे धीरे पशु पक्षी को दाना पानी देते हो, इस जर्नी में आप सीखे हो, स्पिरिचुअल जर्नी है डियर। यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, एंजल से कनेक्ट होते हो, क्यों होते हो, क्योंकि धीरे धीरे आप आपके अंदर जो अंतर आत्मा है ना, हर चीज से जुड़ने लगती है। इस अर्थ पे जितने जैसे हैं, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे, सबसे आप कनेक्ट करने लगते हो, तो ये आपकी पॉजिटिविटी है। तो धीरे 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 आप इसी तरह पॉजिटिव होते हो और अंदर से पीस मिलती है। जब पीस मिलती है, स्ट्रांग आप होते हो, तो आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ लेते हो। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे बोलते हैं, लोगों को थोड़ा दान दीजिए, थोड़ा सा किसी की मदद कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि ये सब करने से आपके अंदर से वो सोल पर्पस आ सकता है। आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, राइटर हो सकते हो, मतलब हर चीज में आप एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उसको निकालना है बाबू, ठीक है। दर्द पेन से जब आप निकलते हो और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो, तो आपको ये सारा कुछ मिलने लगता है। तो प्लीज मैं बोलूंगी, अपना इंट्यूशन बढ़ाइए, अपने 7 चक्रा को हील कीजिए, अपने सारे ब्लॉकेज को हील कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अर्थ मदर को हील कीजिए, क्योंकि अर्थ मदर बहुत पेन में है और आपकी हीलिंग की जरूरत है डियर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप अपने आप को हील कर रहे हो, तो अर्थ मदर को भी हील कर रहे हो, ठीक है। तो आप वैसे ही आप अपने काम को करते जाइए, अपना इनर वर्क मत छोड़िएगा डियर, ठीक है। मुझे आप लोग की अच्छी एनर्जी दिख भी रही है, कुछ लोग की अच्छी नहीं है, तो मैं यहाँ बोलूंगी बाबू प्लीज
आप अपने ऊपर वर्क करें। बहुत अच्छे कल कमेंट आए मेरे मेल पे आए कि बहुत लोगों की कॉन्टेक्ट हुई है। तो इसी तरह आप भी पॉजिटिव रहें, जो इस जर्नी में नए नए हैं आगे जाके आपके भी रियूनियन होगी, आपकी कॉन्टेक्ट होगी। बट बाबू आपको अपने को हील करना है, मेडिटेशन करना है, अर्थ मदर से कनेक्ट रहना है, यूनिवर्स से कनेक्ट रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट क्या करते हैं हम लोग, जो पॉजिटिव होकर हमेशा हम विश करते हैं, हमेशा वो चीज मांगते हैं और प्रेजेंट में बोलते हैं, वो चीज मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट मेरी वो चीज होते हैं, जैसे जैसे मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को हील करते हैं और हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं। इसलिए सारी चीज हम लोग की मैनिफेस्ट होते जाते हैं, इसलिए हम लोग अच्छी चीज मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जितना आप मैनिफेस्ट करें अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो जितना सोसाइटी के लिए, सब चीज के लिए आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं। जो प्रेजेंट में आपको बोलना है, मुझे आज मेरे पार्टनर की कॉल आ गई, सो थैंक यू सो मच, आज मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स थैंक यू सो मच, आज मेरे घर में बहुत सारी खुशियां आई, थैंक यू सो मच। आपको ऐसे ऐसे बोलकर पॉजिटिविटी को बढ़ाना है डियर, जो भी बोलना है प्रेजेंट में बोलना है, ये चीज आपको मिल गया। जैसे मुझे आज जॉब मिल गया, थैंक यू सो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो मुझे आज गवर्नमेंट जॉब मिल गया, जो भी आपको मिलता है डियर, बस आज में बोलना है। ठीक है, ना पास्ट को सोचना है ना फ्यूचर को सोचना है, बस आज में जीना है, कल आपको सफलता मिलेगी डियर, 100% आपको सफलता मिलेगी। धीरे धीरे करके ऐसे आप बढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मिलेगा डियर। ठीक है, तो मैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख रही हूँ डियर, आप लोगों में बहुत लोगों देख रही हूँ, ऐसा दिख भी रहा है कि बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं, बहुत लोग कॉल मैसेज आया है और आपके पार्टनर अभी भी स्टॉक कर रहे हैं डियर। ये तो देखिए कितनी उनको बेचैनी है, लेकिन आप यहाँ टेंशन मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा अभी रन करेंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, लेकिन आपको बैलेंस रखना है बाबू, बिल्कुल बैलेंस, ये आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको सनशाइन के रूप में देख रहे हैं डियर, आने वाले समय में आपको कमिटमेंट देने वाले ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं। ठीक है डियर, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है मेरे को, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल दूं बाबू अभी आप इनर वर्क करें, हार्ड वर्क करें, आने वाले 1-2 महीने में आपका भी कॉल मैसेज आएगा, कमिटमेंट देंगे, बातें होंगी, इसलिए आप इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें। ठीक है बाबू, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की, आज बहुत अच्छा दिन भी है डियर, पूर्णिमा है आज, बहुत अच्छा दिन है ना, आज अच्छी चीज मैनिफेस्ट कीजिए, खुश रहिए। ठीक है, और जितना हो सके मेडिटेट कीजिए। तो मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, काफी सोच रहे हैं, ऑफर दे सकते हैं, थर्ड पार्टी इशू है बाबू, वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं वहां से निकल जाऊं और आपकी ओर बढ़ूं, निकलना चाहते हैं लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, कुछ पार्टनर के घर में या पार्टनर के साथ हेल्थ इशू चल रहा है डियर, तो वहां थोड़ा स्टक है, परेशान है, लेकिन आपके लिए सोच रहे हैं, आपके साथ मैरिज करने के लिए बहुत सोच रहे हैं, आपके साथ मैरिज वाली लाइफ बिताना चाहते हैं, ऐसा वो खुद सोच रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। आपसे बातें तो छुपा रहे हैं डियर, कुछ तो बातें हैं छुपा रहे हैं, जिनसे कॉन्टेक्ट भी हुई है और नहीं भी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो खुलकर आपसे नहीं बोल पा रहे, अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपने इमोशन को बहुत छुपा रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको खुश देखना चाहते हैं, हर वक्त हर समय आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं आप खुश रहो, और आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि आप उनको फिर से मिल जाओ, मिलने का मौका चाहिए उन्हें, ऐसा सोच रहे हैं, वो बहुत दिल से चाह रहे हैं कि एक बार आपसे वो मिले, ऐसा सोच रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि मैंने क्या खोया है, आज उन्हें फील हो रहा है कि मैंने क्या खोया है, ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं देख रही हूँ खुद पर वर्क कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे मुझे बहुत कुछ करना है तो ही आपके साथ वो जिंदगी बिता सकते हैं, हार्ड वर्क है, फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है डियर, जो पॉजिटिव है। ठीक है, पूरी तरह से वो अपने आप को बैलेंस करने की कर रहे हैं, बैलेंस करने
को सोच रहे हैं और आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। कई के पार्टनर से बात हुई है, कॉल मैसेज आया है, कॉन्टेक्ट हुआ है, शादी के लिए वो सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि काश समय बीत जाएगा, कब मैं ये एक्शन लूंगा। उनके दिमाग में ऐसी सोच चल रही है दिया, वो शादी तक के लिए सोच रहे हैं कि कब और कैसे करूं, कब आपके साथ एक नया घर बसाओ, सुंदर सा घर बसाना आ चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, एक खूबसूरत दुनिया देखते हैं आपके साथ। आपके साथ रात के समय बहुत बातें करते हैं और जब वो बेड पे जाते हैं तो अपने एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि आपके साथ कैसा होगा उनके साथ एक खूबसूरत मैरिड लाइफ और खूब सुंदर घर जहां उनकी एक फैमिली हो। ऐसा सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, माइंड में फाइट कर रहे हैं डियर। उनका सोल, उनका माइंड एनी टाइम आपसे कनेक्ट कर रहा है डियर। अपने रिश्ते को कैसे नाम दे ये सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़े ये सोच रहे हैं, आपको कैसे कमिटमेंट दे ये सोच रहे हैं और देने के लिए तैयार भी हैं डियर, ऐसा सोच रहे हैं। आने वाले समय में आपके पार्टनर आने वाले हैं आपके लाइफ में, कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, कमिटमेंट दे भी सकते हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है। उनके माइंड में बोले फाइट चला आपको लेकर, कमिटमेंट को लेकर, सोसाइटी को लेकर, आपके लव को लेकर, आपके जो नेचर है, आपका जो प्यार है, उनको लेकर फाइट कर रहे हैं। और ये हो रहा आपके इनर वर्क के वजह से डियर। आपने अब तक जो इनर वर्क किया है उसके वजह से आपके पार्टनर के माइंड में ये सब कहानियां चल रही है, जो वो काफी सोच रहे हैं, वो एक बेचैनी से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हेडक हो रहा है। एक बेचैनी होता है ना, रात में सोने जा रहे हैं और बेचैनी हो रहा है कि अब मैं जाकर उसे बात करूं, अब जाकर मैं उसे कमिटमेंट दूं, ऐसी फीलिंग्स आ रही आपके पार्टनर की। एक बेचैनी है डियर, वो चाह रहे हैं हर पल हर समय बस आपको देखता रहूं। ये डियर आपका इनर वर्क है, आपने जो किया हार्ड वर्क उसके वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी है जो सेंट हो रही है डियर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बस मैं जो अभी इस जर्नी में बाबू, आप लोग भी अच्छे से इनर वर्क कीजिए। आपको भी आने वाले कुछ समय में आपको कॉल मैसेज आएगा, बस आप विश्वास कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। आपको प्यार की नजरों से देख रहे हैं, बस आप ही और आप छाई हो उनके दिलो दिमाग में। उन्हें लग रहा कि आप सामने आ जाओ और आपको खुल कर कुछ बोले, कुछ कमिटमेंट दे, कुछ बातें करें, तो सब कुछ आपके इनर वर्क का काम है डियर। ये आपकी आपके किए हुए हार्ड वर्क है बाबू। बस इसी तरह पॉजिटिव रहिए और अपना सोल पर्पस भी ढूंढिए, ठीक है, क्योंकि परमानेंट आपकी रियूनियन तभी होगी डियर, है ना। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए और आपके एनर्जी जो है, आपके जो हाई वाइब्रेशन की एनर्जी आपके पार्टनर की ओर जा रही है, जो मैं ये देख पा रही हूँ, वो आपको प्यार कर सके ऐसा फील करे, आपको वो प्यार कर सके, आपको हग कर सकते और आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपके पार्टनर की। उन्हें मजबूर कर दिया है, उनको आपने मजबूर कर दिया है सोचने के लिए, वो आपके इनर वर्क की वजह से वो मजबूर है, वो काफी सोचे जा रहे हैं, इतना तक कि उनको हेडक भी हो रहा है। मतलब होता ना स्टक सेपरेशन में, कब क्या कैसे करूं, जिनको कांटेक्ट भी हुआ उनकी भी यही हाल है डियर। वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वो टाइम को जाने देना भी नहीं चाहते हैं। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू है, वहां से निकलना उन्हें मुश्किल है, बस वो दिन रात सोच रहे कि कैसे क्या किया जाए। सेल्फ लव आप कर रहे हो, सेल्फ लव करते रहो, खुद को बदलना है बदलते रहो, खुद की कदर करो करते रहो और जितना हो सके किसी को माफ करना सीखो डियर, ठीक है। आपने अब तक जो भी चेंज लाए हो अपने लाइफ में, ठीक है, वो आपको बहुत कुछ आगे देने वाला है, आपके लाइफ में अवेयरनेस देने वाले यूनिवर्स। इसी तरह विश्वास पे चलिए, पर्पस भी ढूंढिए, ठीक है, गोल्स आपके क्या हैं उस पर फोकस कीजिए। आने वाले समय में आपके लिए खुशियां आने वाली है, बहुत ऐसी आपके पार्टनर की फीलिंग हो रही है कि अब वो रह नहीं पा रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट करने पर भी आपसे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, थर्ड पार्टी फैमिली कुछ ना कुछ दबाव है डियर, तो वहां थोड़ा स्टक है, लेकिन वहां से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते हैं उनको, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये अनकंडीशनल लव है डियर, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे फील कर रहे हो, आज भी आप इंतजार कर रहे हो अपने पार्टनर का कि उनका कॉल मैसेज आज भी आए,
मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, और जिस कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं वहां भी खुश नहीं है, तो उस कार्मिक के साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अपने दिमाग को लगा रहे हैं, अपने माइंड से फाइट कर रहे हैं कि वहां से कैसे क्लियर कर आपकी तरफ बढ़ूं। तो डियर यहाँ आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन है, बस ऐसे ही आप अपने पार्टनर को वहां से निकालिए, अपने इनर वर्क कीजिए, जहां फंसे हो वहां से उनको बाहर निकालिए। आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है और वहां से निकलना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं और आपकी हेल्प मांगते हैं, क्योंकि आप पीस देती हो, शांति देती हो। आने वाले समय में उनकी हिम्मत आगे बढ़ेगी, लेकिन आप अपना इनर वर्क कीजिए। कॉल मैसेज कर सकते हैं और आपसे बातें हो सकती है। आप कुछ भी उनसे झगड़े लड़ाई ना करें, पॉजिटिव होकर बात करें, क्योंकि आपको दिखाना कि आप चेंज हो गए हो, मुझे कोई दर्द पेन नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, ऐसी आपकी एनर्जी उन्हें बतानी है, ठीक है। उनको केयर करना, हीलिंग देनी है, आप खुलकर बात कीजिए, ठीक है, खुलकर बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो, कोई बात है तो शेयर करो। हो सके तो अगर आपके पार्टनर ढंग से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो उन्हें मेडिटेट करने के लिए भी बोलो। इसलिए बोलो कि टेंशन डिप्रेशन से निकलना है तो आप मेडिटेट करो, ठीक है डियर, ऐसा आप बोल सकते हो। उन्हें पीस चाहिए डियर, उन्हें शांति चाहिए, आपकी हीलिंग चाहिए, और आपकी ओर बढ़ भी रहे, कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और हो सकता है कंट्रोल रहिएगा, कुछ दिन के बाद हो सकता है कांटेक्ट ना करे, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये चेस और रन का रिलेशनशिप है, भी थोड़ा सा ये चलेगा, तो इसलिए पॉजिटिव रहिएगा, वो आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये आपके इनर वर्क का काम है कि आपको अभी अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है, कॉन्टेक्ट हो रहा है, मैसेज आ रहा है, आने वाले समय में भी कॉल मैसेज आ सकता है डियर। इसलिए बाबू पॉजिटिव रहिएगा, यूनिवर्स से कनेक्ट रहिएगा, और आपसे बात करके वो पीस उनको मिलती है जो कहीं से नहीं मिलती है। हेल्थ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, कुछ पार्टनर के फैमिली में है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम है, यादों के सहारे जी रहे, एक बेचैनी है, आपको कभी भी भुलाना नहीं चाहते, आपको सिर्फ पाना चाह रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। तो डियर आप मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहेंगे, वो चीज प्रेजेंट में बोले वो मैनिफेस्ट होता जाएगा, और हमेशा पॉजिटिव रहकर ही किसी को कुछ गलत ना बोलें, सबको माफ करें, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अर्थ मदर्स को कनेक्ट रहें, उनको हील करें, पर्यावरण को शुद्ध करें, यूनिवर्स को हाई वाइब्रेशन दें, ताकि आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन हो डियर। अगर आपको सोल पर्पस नहीं मिल रहा है तो मेडिटेट के समय यूनिवर्स से बोलिए, एंजल से बोलिए कि प्लीज यूनिवर्स मेरी मदद कीजिए, एंजल्स मेरी मदद कीजिए, मेरा इस अर्थ पे आने का क्या मतलब है, मैं क्यों आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं अपने सोल पर्पस पूरा करना चाहती हूँ, मुझे सही दिशा दिखाइए, मैं सही पाथ पे जाने में मेरी मदद कीजिए, यूनिवर्स प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं अपना सोल पर्पस पूरा करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपको ऐसे बोलना है डियर। तो डियर बहुत अच्छे, अगर डियर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता है तो प्लीज ये पॉजिटिविटी मेरे कमेंट में लिखें, ताकि मुझे भी आपकी एनर्जी फील होती है और मैं ये वीडियो बना पाती हूँ और मैं आप लोग को मैसेज दे पाती हूँ। तो आपके अगर कॉल मैसेज आता है तो प्लीज मेरे कमेंट में जरूर लिखें, या फिर कोई भी इश्यू है तो आप मेरे कमेंट में लिख सकती है, बट पॉजिटिव होकर, क्योंकि जो आप लिखते हो वही एनर्जी मैनिफेस्ट होती है और वही एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है। इसलिए ये दिमाग में आप लोग रख लो बाबू, इसलिए पॉजिटिव रही। ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, जैसा फील कर रहे हैं वैसा आप फील कर रहे हो कि नहीं, ये आप देख लो, एनर्जी आपकी मैच हो रही है कि नहीं, अगर होती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखना बाबू। सो गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, आपका सोल पर्पस पूरा होगा, आप सब की रियूनियन होगी, आप लोग का कॉल मैसेज आएगा। सो गॉड ब्लेस यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।